हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे फुट स्टेप बियरिंग इन मशीन ड्राइंग। आज हम इसकी डिटेल से, फुट स्टेप बियरिंग की डिटेल से हम इसको असेंबल करेंगे और इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लिस्ट ऑफ पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने पार्ट्स लग रहे हैं फुट स्टेप बियरिंग में। तो देखिए, एक बॉडी, अदर वन इज़ बुश, शाफ्ट एंड पैड। मतलब ये चार चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, इनसे हम असेंबली बनाएंगे इन चार पार्ट से। पहली है बॉडी, सेकंड वन इज़ बुश, थर्ड वन इज़ शाफ्ट एंड फोर्थ वन इज़ पैड है यहाँ पर। ये यहाँ पर हम इनको असेंबल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है बियरिंग क्या होती है। तो बियरिंग एक ऐसी मशीन एलिमेंट है जो कि रोटेटिंग शाफ्ट को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम फुट स्टेप बियरिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो आपको फ्रंट व्यू में देखिए, एक बॉडी का फ्रंट व्यू यहाँ पर हमें गिवन है, इसको यहाँ पर हम एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी लेंथ देखिए कितनी है, 204 एक ज़्यादा लेंथ है, 204 सेंटीमीटर। तो हम इसको हाफ ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। तो हम एक स्केल ले रहे हैं 1:2, एक स्केल ले रहे हैं 1:2, यानी हम इसको हाफ डायमेंशन में बनाएंगे। एक रिड्यूसिंग स्केल में हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 204 का हाफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 102, ये हमारे पास आएगा 102। आप देखिए, इस प्रकार से हमने 102 ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखिए, यहाँ पर इसका मिड आप ले लें तो ये हमारे पास आएगा, 204 का हाफ था 102, तो इसका हाफ होगा यहाँ पर 51 हम यहाँ पर हाफ कर लेंगे इस प्रकार से। और एक सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, वर्टिकल सेंटर लाइन इस प्रकार से। आप देखिए, ऐसे हमने एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखिए, यहाँ पर ये जो बॉडी है इसका ये पार्ट कितना, इसकी हाइट है वह 16, तो 16 का हाफ कितना होगा, 8। और आप देखिए, ये यहाँ से 5 डिस्टेंस कम है, यहाँ से 5 डिस्टेंस क्या है, कम। तो आप देखिए, यहाँ पर आप 5 का हाफ यानी 2.5 वह मार्क कर लेंगे दोनों तरफ से, 2.5 2.5, और यहाँ से 8 हाइट इंक्रीज़ करें, 8 हाइट। ये देखिए, 8 यहाँ से हमने हाइट दे दी है। और रोलर की मदद से आप इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये देखें इस प्रकार, और इन्हें आप ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया। और ये जो डिस्टेंस है, ये आप लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 2.5, इनके बीच का जो गैप है वो 2.5 है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर देखिए, दो होल्स के लिए यहाँ पर दो होल्स दिए हुए हैं जिनमें हमारा यहाँ पर कोई नट्स, कोई बोल्ट लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कितनी डिस्टेंस पर है, 140, तो 140 का हाफ होगा 70, 70 का हाफ 35 इस साइड, और 35 इस साइड आप मार्कआउट कर लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, और इनको भी आप इस प्रकार ड्रॉ करें, ये देखिए इस प्रकार हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर ये पार्ट जो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके, देखिए 10 डिस्टेंस यहाँ से हमें छोड़नी है। और यहाँ पर 3 mm यहाँ पर हाइट लेंगे हम, यहाँ पर 3 हाइट छोड़ेंगे, 3 का हाफ 1.5 हम हाइट छोड़ेंगे। और ये बीच में कितना डिस्टेंस बचेगा, 13, तो 13 का हाफ कितना होगा हमारे पास, 6.5। तो 3 इधर और 3 इधर आप यहाँ पर डिस्टेंस छोड़ दीजिए इस प्रकार से, और 1.5 की एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस जो होगी इस प्रकार से 1.5 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से, और यहाँ साइड से आप कितना छोड़ेंगे यहाँ पर, 10, तो 10 का मतलब यहाँ पर 5 का हम गैप देंगे, क्योंकि हम हाफ डायमेंशन में इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से। देखिए, ये हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी आप 5 को छोड़ देंगे इस प्रकार, ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इस प्रकार, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें ये पार्ट अबव इसका पार्ट ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, इसका जो डायमीटर है वो 95 है, तो 95 का हाफ जो होगा हमारे पास वो होगा 47.5। तो आप यहाँ से 23.5 इस साइड ले लेंगे और 23.5 इस साइड ले लेंगे इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने मार्क आउट कर लिया है, इस साइड भी आप 23.5 मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। और इनको आप वर्टिकल ले जाएंगे कितने डिस्टेंस तक, 61+3 यानी 64। तो 64 का हाफ कितना होगा यहाँ पर, 32। तो 32 आप यहाँ पर डिस्टेंस को ऊपर ले जाइए इस प्रकार से। देखें,
ये देखिए 32 ऊपर ले गए, यहाँ पर भी हम 32 को डिस्टेंस को ऊपर ले जाएंगे और इस प्रकार से इसे ज्वाइन कर देंगे देखिए बॉडी को। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक और डायमीटर दिख रहा है ऊपर से, जब आप देख रहे हैं 62, तो 62 का हाफ यहाँ पर होगा 31, तो 51.5 इस साइड ये देखिए और 51.5 इस साइड देखिए, यह हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और ये कहाँ तक नीचे आ रहा है, 11 हाइट तक यानी 6 हाइट तक ये नीचे आएगा, ये देखिए इस पर का यहाँ तक और ये भी यहाँ तक नीचे आ गया। अब आप देखें यहाँ पर एक और डायमीटर आ रहा है 65, तो 65 का हाफ कितना होगा यहाँ पर 32.5 यानी 16.5 और 16.5 का अब आप यहाँ से निशान को मार्क आउट कर लेंगे देखिए इस प्रकार से। यहाँ देखिए ये यहाँ पर हमने निशान मार्क आउट कर लिया। और ये कितनी हाइट तक है, ये यहाँ पर है 37 हाइट तक, तो 37 का जब हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर 18.5 ये आएगा, 18.5 आप नीचे आएंगे इस प्रकार से देखें, ये यहाँ तक आप नीचे आ गए हैं इस प्रकार देखिए 18.5 इस प्रकार इन्हें ज्वाइन कर दें ये देखिए इस प्रकार। और फिर ये जो डायमीटर आ गया ये 62 का यानी 31 का होगा इस प्रकार देखिए, ऐसे ये आपने ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से, ये हमने देखिए बॉडी ड्रॉ कर लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर बोल्ट लगाने के लिए, बोल्ट का यहाँ पर हमें डायमीटर हम इसके टॉप व्यू से देखेंगे, ये कितना है यहाँ पर 22, ये कितना है यहाँ पर 22 और बाहर वाला कितना है 38, तो 22 जो है इसको आप इसका हाफ करेंगे तो 11 यानी 6.5 इधर 6.5 इधर, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आप हिडन लाइन से इसको ड्रॉ करें इस प्रकार ये देखिए। यहाँ पर भी आप सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी 6.5 एंड 6.5 यहाँ पर ड्रॉ कर लें इस तरीके से, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर एक और इसके ऊपर से कैविटी लग रही है, इसका डायमीटर है 38, तो 38 का हाफ कितना होगा 19 और 19 का हाफ कितना होगा यहाँ पर 9.5 और 9.5 और इसकी थिकनेस कितनी है यहाँ पर 3 और 3 का हाफ कितना होगा 1.5 इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए ये देखिए। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैचिंग प्रोवाइड कर देंगे, इसमें हैचिंग दे देंगे जी, जैसे यहाँ पर हमें ये यहाँ पर डिटेल में गिवन है उसी प्रकार की आप यहाँ पर हैचिंग ड्रॉ कर देंगे देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर बॉडी को ड्रॉ कर दिया, इसमें हमने हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी। अब आप देखिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है बॉडी, अब आप यहाँ पर बुश को इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ पर हम बुश को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए बुश को जब आप इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए इसका जो सबसे आउटर डायामीटर है वो कितना है 62 और हमें पता है ये डायामीटर भी कितना है 62 डायामीटर है। तो आप देखिए ये 62 जो डायामीटर है ये कितने लेंथ तक ये आ रहा है हमारे पास, ये देखिए 62 जो डायामीटर है 10 तक, 10 डाया तक मतलब 10 लेंथ तक आ रहा है। और यहाँ पर ये जो लेंथ ये जो 13 ये जो है 13 तक है और यहाँ पर ये जो 62 डाया है 13 तक है यानी 11 यानी 11 का हाफ कितना होगा यहाँ पे 6.5, तो ये 6.5 तक हमें यहाँ पर इसको मार्क आउट करना है यहाँ तक यानी इस पार्ट तक। यहाँ पर ये बुश का डायमीटर भी क्या होगा 62 ही यहाँ पर क्या होगा मतलब डायमीटर होगा यानी 62 का हाफ कितना होगा हमारे पास, ये देखिए 62 का हाफ हमारे पास होगा 32। ये इसका आउटर डाया है, इनर डाया आप ये देखिए इसका इनर डाया कितना है 44, तो 44 पहले आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें 44 का 22 और 11 इस तरफ और 11 इस तरफ और यहाँ पर आप इसको वर्टिकल ले जाएं ऐसे, इसको वर्टिकल ले जाइए आप इस प्रकार से। और अब आप देखिए यहाँ पर जो बाकी पार्ट्स है इसको आप इरेज कर देंगे इस प्रकार से अभी। और अब आप देखिए ये तो हमने इसके अंदर का पार्ट बनाया, ये हमने इसके इनर पार्ट बनाया, हमें पता है कि ये नीचे से देखिए यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर ये 13 है यानी यहाँ पर 2 का गैप बच जाएगा इस प्रकार से देखिए, इतना यहाँ पर ये गैप बचेगा, इतना ये गैप बचेगा। इसके बाद आप देखिए जब ये यहाँ तक आ जाएगा ये बुश, इसके बाद आप देखिए इसका जो डायमीटर है कितना हो गया 59, ये डायमीटर कितना हो गया 59 और 59 का हाफ हमारे पास कितना होगा 29.5 और 29.5 का हाफ आप लगभग ले लें तो 14.5 आप करके ले लें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे 14.5 यहाँ पर जब आप जाएंगे इस प्रकार से
ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तक ये आएगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर देंगे, देखिए इस प्रकार। और इसकी हाइट आप देखिए कितनी देंगे, इसकी हाइट ये 59 डायमीटर कहाँ तक है, 37, 37 का मतलब है यहाँ पर हमारा 6 मतलब 18.5 तक। तो 18.5 आप यहाँ पर हाइट ले लेंगे इस प्रकार से, यहाँ तक ही ये हाइट जाएगी। और सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, देखिए ये यहाँ पर बुश लगेगा। अब आप देखिए ये जो फिर एक और डायमीटर आ रहा है, ये कितने का है, 62। और ये डायमीटर भी हमारे पास कितना है, 62। फिर अब आपको कोई चेंज नहीं करना है। फिर आप देखिए एक और डायमीटर आता है यहाँ पर 11 का, एक और डायमीटर आता है यहाँ पर 11 का। तो यहाँ पर देखिए 11 इसकी लेंथ है और डायमीटर यहाँ पर कितना होगा, 76। और 76 का हाफ हमारे पास होगा 38, यानी यहाँ पर 19 और 19 आप जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर 19 और यहाँ पर भी आप जाएंगे 19 इस प्रकार से। और हाइट देंगे 11 का हाफ 6.5 इस प्रकार, आप अबव गए 6.5 ऐसे अबव जाएंगे। अब आप देखिए एक और डायमीटर है 83, 83 का हाफ कितना होगा यहाँ पे हमारे पास 41.5 आप ले लेंगे इसको, यानी 21.5 कुछ आप करके लें इस प्रकार से, यहाँ सेंटर लाइन से ये देखिए 21 पॉइंट कुछ आप यहाँ से लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार ये देखिए यहाँ तक, यहाँ पर भी इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगा। और फिर इसको कितनी हाइट देनी है यहाँ पर, 8 का मतलब है 4 हाइट देनी है, तो 4 mm इसको हाइट देंगे इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पर, और बाकी पार्ट को आप इरेज कर देंगे इस प्रकार से, ये बाकी पार्ट हमने इरेज कर दिया। तो अब आप ये देख रहे हैं ये जो जितना पार्ट है ये हमारा बुश है। अब आप इसको डिफरेंट हैचिंग दे दें इससे, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हमने इसको कैसे ज्वाइन किया है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर हैचिंग कर दी है। अब यहाँ पर ये जो पैड है इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, जिसका डायमीटर कितना है 44 का 22। तो और आप देखेंगे इसी ये सेम डाया यहाँ पर रहेगा, परंतु इसकी हाइट देखिए 10, तो आप 10 का हाफ जाएंगे 5 इस प्रकार से। और यहाँ बीच में इसकी एक और हाइट यहाँ पर गिवन है 3, तो 3 का मतलब 1.5, यानी यहाँ से मतलब ये कुछ इस प्रकार से देखें, ये आप ज्वाइन करेंगे इसको, तो यानी इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा पैड बन जाएगा। अब आप इसमें दूसरे प्रकार की हैचिंग कर दें, यहाँ पर अब हम इसको हैचिंग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर इसको भी हैचिंग दे दी है। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्या थी, कैविटी थी एक पिन के लिए, पिन को इंसर्ट करने के लिए कैविटी थी, वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, जिसका डायमीटर कितना है 3 डायमीटर और 10 लॉन्ग है, यानी 5 ये लेंथ में होगा और 1.5 इसका डायमीटर होगा इस प्रकार से। देखिए कैविटी यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर कोई पिन इंसर्ट करेंगे हम, जिससे ये इससे बाहर ना जा पाए। अब लास्ट पार्ट जो है वो शाफ्ट, जिसका डायमीटर 44 है, सेम यही डायमीटर है, और इसकी लेंथ आप देखिए यहाँ पर कितनी है 75 का हाफ, यदि आप लें तो कितना आएगा 34.5, तो ये 34.5 से अबव आप यहाँ पर हाइट ले लें, 35 से अधिक, यानी यहाँ पे आएगा ये 37 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो 37 आप यहाँ पर हाइट दे दें इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको हाइट दे देंगे आप 37.5 लगभग, नहीं हाइट है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा डायमीटर कितना इंक्रीज़ कर देंगे, 57 इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब 57 हम करेंगे, और 57 का हाफ यहाँ पर हमारे पास होगा कितना होगा, ये 20 और 1 कैरी यहाँ पर आएगा 26.5 इसका डायमीटर आप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमने ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर क्या करें, सबको डायमेंशन दे देंगे, तो यहाँ पर आपने सारे डायमेंशन को शो कर दिया, और डायमेंशन भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, और दिखा दीजिए बॉडी, बुश, शाफ्ट और पिन। अब आप देखिए यह है इसका फ्रंट व्यू, अब हम ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू को। तो टॉप व्यू को आप देखिए यहाँ पर इस हिसाब से, आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करें, जैसा हमें टॉप से ये व्यू होगा, देखिए ये देखिए इस प्रकार से, जो जिसका जो लेंथ होगी ये 57 होगी इसका हाफ, और ये लेंथ तो यहाँ पर सेम होगी, विड्थ 57 होगी। अब आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, जब आप ऊपर से डायमेंशन लेके आएंगे तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखिए सेम एज इट इज़ यहाँ पर ये दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर किसका सर्कल दिखेगा,
ये देखिए, अब यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो बॉडी का सर्कल था, फिर यहाँ पर बुश के सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, फिर शाफ्ट का, फिर इनर शाफ्ट का, फिर पैड का, ये सारे आप क्या करेंगे यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ये जो बॉडी है जिसका डायमीटर यहाँ पर 95 है, इसका सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये 62 का सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आप शाफ्ट को देखेंगे ऊपर से, तो आपको क्या करना होगा, ये जो शाफ्ट है इसको आपको हैचिंग शो करनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से। आप देखिए इसको आप हैच कर देंगे शाफ्ट को इस प्रकार से, देखिए ये हमने शाफ्ट में हैचिंग दे दी है। और बाकी जो आप यहाँ पर जो सर्कल यहाँ पर बनेंगे, इसको आप हिडन लाइन से ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से, देखिए आप ये ड्रॉ कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर दो क्या लगाए थे, बोल्ट फिक्स करने के लिए लगाए हैं। तो आप इनकी डायमेंशन देखिए, सेंटर लाइन से 28 अबव 28 बिलो है, यानी 14 14, और आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमने होल और जो इसमें लगने वाला जो यहाँ पर पार्ट था, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबकी डायमेंशन दे देंगे इस प्रकार। आप देखिए यहाँ पर आप डायमेंशन को शो कर देंगे। ये आपने बना दिया है यहाँ पर टॉप व्यू और सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब आप यहाँ पर क्या करें, लिस्ट ऑफ पार्ट्स को ड्रॉ करें, मतलब उन्हें लिखें लिस्ट ऑफ पार्ट्स, यानी हमने क्या क्या पार्ट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, जैसे बॉडी, बुश, पैड, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं शाफ्ट। इन सबको आप लिख देंगे तो ये हो जाएगी लिस्ट ऑफ पार्ट्स। तो आज आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया फुट स्टेप बियरिंग पर, जिसका हमने सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप तेरी सकते अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।